अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सनम चौधरी की शादी के बारे में। जी हाँ व्यूअर्स, सनम चौधरी की शादी की खबरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। सनम चौधरी की शादी की खबर सुनकर हम भी इतना ही हैरान हुए थे जितना कि फैसल कुरैशी अपने शो पे हुए। जी हाँ व्यूअर्स, खबर ये है कि सनम चौधरी ने शादी कर ली है और वो भी अमेरिका में। इसके अलावा उन्होंने शोबिज भी छोड़ दिया है। ये खबर सनम चौधरी ने खुद अपने मद्दाहों को नहीं दी बल्कि फैसल कुरैशी के मॉर्निंग शो पे परवीन अकबर ने एकदम से सबको बताया कि इस वक्त सनम चौधरी का ड्रामा मीर आबरू लोगों को नहायत पसंद आ रहा है। सनम चौधरी इंस्टाग्राम पर भी अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं, तो लगता तो यही है कि सनम चौधरी पाकिस्तान में है और काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परवीन अकबर ने सलाम जिंदगी के शो में ये बताया कि सनम चौधरी को पाकिस्तान से गए हुए और शो भी छोड़े हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर हर किसी ने सनम चौधरी से पूछा कि क्या ये खबर सच है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस ईद पर सनम चौधरी ने एक आदमी के साथ तस्वीर लगाई और कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया कि ये साहब अमेरिका में रहते हैं और गुलकार हैं, क्या यही वो शख्स है जिनसे सनम चौधरी ने शादी की है। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी फनकार ने इस तरह से अपनी शादी की खबर राज रखी हो, लेकिन अगर उन्होंने ये खबर राज रखी है तो क्या किसी को ये बात इस तरह बतानी चाहिए थी जिस तरह परवीन अकबर ने सलाम जिंदगी शो में बताई। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सनम चौधरी बहुत ज्यादा फोटोशूट्स भी करवाती रहती हैं, जिनको बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से पसंद किया जाता है। सनम चौधरी के ब्राइडल फोटोशूट्स भी हो चुके हैं, लेकिन लोगों को यही लगता है कि वो अब शादी कर चुकी हैं। इसी किस्म का दावा पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा परवीन अकबर की जानिब से किया गया है एक मॉर्निंग शो के दौरान कि सनम चौधरी शादी कर चुकी हैं और वो इन दिनों शोबिज को खैराबाद कह के अमेरिका में सेटल हो चुकी हैं। कहा जा रही है कि अभी तक सनम चौधरी की तरफ से इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई कि वो शादीशुदा हैं और वो शोबिज को खैराबाद कह चुकी हैं। ये तो सनम चौधरी खुद ही आगे बता सकते हैं। व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।